हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी पडालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल्स क्या है? ये डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें स्पेशली, तो किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो वो हमारा बन जाता है अल्कोहल। बट अगर हम किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो वो बन जाता है फिनोल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं ले रही हूँ CH4, क्या लिया है मैंने? मीथेन। तो मीथेन में अगर मैं किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास है, इस कंपाउंड का नाम बताइए क्या है, बताइए क्या है ये? 2-methyl propane। ठीक है, तो 2-methyl propane में से मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये आपके क्या है, टर्मिनल मिथाइल। ठीक है, आप टर्मिनल मिथाइल जो है वहां से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो, आप नॉन टर्मिनल कार्बन से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमारे पास सपोज अगर मैं टर्मिनल को कर रही हूँ, टर्मिनल वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ, सपोज मेरे पास बना ये, तो ये भी हमारा क्या है? एल्कोहल। बट अगर हम बात करें फिनोल की, तो फिनोल में हमें कैसा हाइड्रोकार्बन लेना पड़ता है? एरोमेटिक। तो किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, स्पेशली एरोमेटिक आप अभी तक क्या पढ़ते आए हो? बेंजीन। ठीक है, ज्यादा डिटेल में तो आपने अभी तक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े भी नहीं है। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, बेंजीन रिंग। ठीक है, अरीन भी आप इसको बोल सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH से। तो OH जो है आपका, अब ये बेंजीन रिंग पे जुड़ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फिनोल। ये सब क्या थे? जहां पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था ये थे अल्कोहल, और जहां पे आपका क्या आ गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये क्या बन गया? फिनोल। सिमिलरली अगर हम ईथर की बात करें, तो ईथर में आप देखिए क्या करेंगे, जैसे कि आपने कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, ईथर में आप एलिफेटिक भी ले सकते हो एरोमेटिक भी ले सकते हो। तो जैसे कि सपोज हमने कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया और हमने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्कोक्सी ग्रुप से, तो ये क्या बन गया? CH3OR। थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं OCH3, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप से, एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करना है ना, तो OCH3 क्या है? मिथॉक्सी। तो हमने मिथॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस किया, तो ये आपका क्या बन गया? ईथर। ठीक है, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, कुछ और है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, और इस बेंजीन रिंग में आपने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया OCH3 से, तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका ईथर है। ठीक है, जब हम ईथर पढ़ेंगे ना, तो हम पढ़ेंगे ईथर भी दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो अभी तो मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रही थी कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन रिप्लेस होता है OH से, और वो आपका हाइड्रोकार्बन अगर एलिफेटिक है तो वो क्या जनरेट करेगा? एल्कोहल। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो वो क्या जनरेट करेगा? फिनोल। और अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो एल्कोक्सी ग्रुप से OCH3 OC2H5, तो आपका क्या जनरेट होगा? ईथर। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROR। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो उसमें भी हमारे पास सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कि कितने OH ग्रुप हैं, एक है, दो है, तीन है, तो कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं और उनके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहला है हमारा मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब आपको पता ही है, मोनो मतलब सिंगल। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें आपका एक ही OH ग्रुप हो, उनको हम क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है? एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? मीथेनॉल। सिमिलरली इथेनॉल, C2H5OH। सिमिलरली हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं? फिनोल। ठीक है, अगर हम सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? डाइहाइड्रिक। तो डाइहाइड्रिक हम किसको कहते हैं? ऐसे अल्कोहल
जिसमें क्या हो, दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देख सकते हैं, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH2OH, इसका क्या नाम होता है, इथेन 1,2-diol। और अगर हम बात करें किसकी, कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, इसका कॉमन नेम होता है इथाइलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल वर्ड हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमारे पास दो OH आते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें बेंजीन पर दो OH ग्रुप की, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैटेकोल। क्या नाम होता है, कैटेकोल। ठीक है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, ट्राईहाइड्रिक। तो ट्राईहाइड्रिक हम किसको कहते हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें हमारे पास क्या हो, तीन तीन OH हो। ठीक है, तो यहां पे क्या होते हैं, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, इसका अगर हम नाम लिखे तो इसका नाम क्या है, तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1,2,3 ट्राईओल, तीन बार है ना, तो ट्राईओल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, बेंजीन है और यहां पर आ गए तीन तीन OH, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी क्यूनोल। क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्यूनोल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहां पे जो क्लासिफिकेशन है वो मोनोहाइड्रिक की होने वाली है। तो मोनोहाइड्रिक हम किसको कहते हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। तो अब उसकी भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जो दो टाइप में की गई है। एक तो ये कि OH आपका ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, अटैच हो, जो कार्बन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज। और दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है कि OH ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो अगर हम इस वाले क्लासिफिकेशन की बात करें जिसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पहली क्लासिफिकेशन तो देखो हो सकती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बेसिस पर। ये हमारे कौन से होते हैं, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी हमारे क्या होते हैं कि OH ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो एक ही कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या कि OH हमारा ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो नेक्स्ट एक ही अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी क्या है कि OH हमारा ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके अदर दो कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहे हो, तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और टर्शरी की बात करें तो बताइए क्या है, आपको पता है कि OH हमारा ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके अदर तीन कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी कौन सी आती है, एलाइलिक। ठीक है, कौन से, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल हम किसको कहते हैं कि OH हमारा जिस कार्बन से अटैच है, OH हमारा जिस कार्बन से अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। OH हमारा जिस कार्बन पे अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, एलाइलिक। ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास कौन सा होता है, बेंजाइलिक। कौन सा है, बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल हम किसको कहते हैं, बताइए, OH जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन पे क्या होगी, एक बेंजीन रिंग। बेंजाइलिक का क्या एग्जांपल है कि OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पे क्या होगी, एक बेंजीन रिंग, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अगर हम बात करें कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद OH बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि OH जिस कार्बन से अटैच होता है उसी कार्बन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड।
तो ये हमारा क्या होता है बताइए, इसको हम क्या कहते हैं, विनाइलिक एल्कोहल। इसी में आपके फिनोल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि फिनोल में देखो क्या होता है कि OH डायरेक्ट किससे अटैच्ड होता है, बेंजीन रिंग से, है ना। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, विनाइलिक एल्कोहल का। ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का अदर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं, एक। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, OH जिस कार्बन से अटैच है उसके अदर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, एक। तो ये क्या है ये प्राइमरी एल्कोहल। पर प्राइमरी में भी आपको देखो ध्यान रखना है कि OH जिस कार्बन से अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये आपका साथ ही साथ क्या है, एलाइलिक एल्कोहल भी है। तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्काइलिक एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए, OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के अदर कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, एक। तो ये क्या है, सिंपली प्राइमरी एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पे क्या आ गई, बेंजीन रिंग। तो ये क्या है, बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। और बेंजाइलिक एल्कोहल के साथ साथ देखो, OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के कितने बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो कितने बॉन्ड अदर कार्बन के साथ, दो। तो ये आपका क्या बन गया, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि OH जिस कार्बन से अटैच है, अब उस पर तो बेंजीन रिंग नहीं है ना, उस पे डबल बॉन्ड है ना, उसके नेक्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड है। तो OH जिस कार्बन से अटैच है उसके कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच था उस कार्बन के दो कार्बन के साथ बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, OH जिस कार्बन से अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया आपका, एलाइलिक एल्कोहल। और एलाइलिक एल्कोहल के साथ साथ OH जिस कार्बन से अटैच है उसके अदर एटम कार्बन एटम के साथ कितने बॉन्ड है, तीन। तो ये आपका क्या है, टर्शरी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।